मंगलवार को नगर पंचायत प्रांगण में विश्व ज्ञानी विश्व की महान विभूति ज्ञान के प्रतीक भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। बाबा साहब की प्रतिमा पर नील का तिलक लगाकर एवं माल्यार्पण कर एवं बाबा साहब के अनुयायियों द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित कर श्रद्धा सुमन बाबा साहब को याद किया। आज जो कार्यक्रम हुआ परिनिर्वाण दिवस का, इसमें क्या शब्द कहना चाहेंगे आप उनको लेकर? देखिए, पूरे देश के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को सम्मान, उनके आइडियोलॉजी को आगे लाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है इस देश के अंदर। इसके पूर्व की सरकारों ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को कमज़ोर करने का काम किया है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब अम्बेडकर के पंचतीर्थ बनाकर हमारे समाज का गौरव बढ़ाया है। आगे आपकी और चुनाव को लेकर कोई रणनीति है क्या? तो देखिए, चुनाव को लेके रणनीति तो बनी है और चलती रहती है, लेकिन ख़ास करके हमारा जो अभी 26 नवंबर से गौरव अभियान चल रहा है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के, इसमें संविधान दिवस को लेकर, तो 26 नवंबर से 6 दिसंबर तक ये कार्यक्रम था, इसके को लेकर हम हॉस्टलों में, दलित बस्तियों में, और सारा हमने संपर्क किया है, और जो जो हमारी सरकार की योजना है वो बताई है, और विरोधी दल के लोग जो लोगों को भ्रमित करते हैं उसकी सारी पोलें हमने खोली है। क्या नाम है? सुंदरबार से जिला अध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा। संवाददाता सेवक राम चौबे, R9 भारत।